फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आज मैं आपके साथ यूट्यूब की तरफ से आया मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। यूट्यूब की तरफ से 100+ सब्सक्राइबर होने पर मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा है। इस मैसेज ने मेरा हौसला बढ़ाया है। ये सब आप सब्सक्राइबर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। मैं यूट्यूब का और आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आज आपके साथ वनीला आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिए है 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी मलाई या आप क्रीम भी ले सकते हैं, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 गिलास दूध और वनीला एसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने एक पैन में 1 गिलास दूध डाल के रख दिया है। इसमें हम अपनी 1 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं। इसे हम उबाल आने तक पका लेंगे। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम अपने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा ठंडा दूध डालकर इसे थोड़ा पतला कर लेंगे। अब ये हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें अपना कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हिलाते रहेंगे। ताकि ये नीचे जमे ना। अब इसे 5-6 मिनट तक हिला लेंगे। इसे हम थोड़ा थिक होने तक पका लेंगे। ये अच्छे से थिक हो गया। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी हमारा दूध ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं। अब हम इसमें अपना मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें मलाई ऐड कर देते हैं। मिल्क पाउडर से टेस्ट अच्छा आएगा इसलिए हमने डाली है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। इसमें 1/2 चम्मच वनीला एसेंस डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसे कंटेनर में निकाल लेते हैं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में फ्रीज होने के लिए रख देते हैं। अभी आइसक्रीम को हमने फ्रीजर से निकाल लिया है। ये मेरी फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं। अब हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कंटेनर में निकाल देते हैं। ये एकदम क्रीमी हो गई है। अब हम इस पे फॉइल पेपर लगा के इसे ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए रख देंगे। फॉइल पेपर लगाने से इस पे आइस क्रिस्टल भी नहीं आएंगे। अब हम इसे ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए छोड़ देंगे। अब आइसक्रीम को हमने ओवरनाइट फ्रीज कर लिया है। अब हम देख लेते हैं। आइसक्रीम हमारी अच्छे से फ्रीज हो गई है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। पर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अपने रिव्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।